मध्य प्रदेश में परिणाम आने से पहले कांग्रेस फुल फॉर्म में नजर आ रही है और ये फुल फॉर्म नजर आ रहा है मतगणना को लेकर चिंता। सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस ने भोपाल बुला लिया 26 तारीख को। 26 तारीख को कांग्रेस प्रत्याशियों को ऐसे बुलाने की वजह भी बड़ी है और क्यों कांग्रेस के सामने चुनौती भी बड़ी नजर आ रही है कांग्रेस को, जिस वजह से सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया है। इसका जो मकसद है वो ट्रेनिंग बताया जा रहा है सभी प्रत्याशियों को। आखिरकार कांग्रेस जब मतगणना का समय आ रहा है क्यों ट्रेंड करना चाह रही है, क्यों सभी प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दे रही है, तो इसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। दरअसल मतगणना को लेकर कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। अलर्ट मोड पर इसलिए कि आपको नजर आएगा कि कांग्रेस ने ईवीएम पर पहले भी 2018 में सवाल उठाए थे, पहरा भी दिया था, इस बार भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। दूसरी वजह कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाने की ये भी है कि मतगणना के टाइम आपको पता है कि अगर पैनी नजर ना हो तो कई बार तकनीकी खामी अगर हो तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि आरोप ही लगाना पड़ता है कि मतगणना में गड़बड़ी हुई, ये हुआ वो हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस चाह रही कि उसके सभी प्रत्याशी जो है वो प्रशिक्षित किए जाए, खासतौर से काउंटिंग से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर। उनमें से कई प्रत्याशी मान लीजिए बिल्कुल नए, तो उनको बताया जाए कि जब काउंटिंग होती है तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या वजह हो सकती है, क्या गड़बड़ी की ऐसी कुछ कारण ऐसे जो आशंका पैदा करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले। प्रत्याशियों को तो बुलाया गया, इसके पहले भी कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में अफसरों को लेकर जो है संदेह जता चुके हैं, उसको लेकर भी उन्होंने ब्यौरा मांगा सभी प्रत्याशियों से पत्र लिखकर, और ये कहा कि नहीं हमको जानकारी चाहिए कहाँ गड़बड़ी हुई कहाँ नहीं हुई, किस तरीके से कोई ऐसा स्थिति तो नहीं बनी जहाँ पर चुनाव प्रभावित हुआ हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव बड़ा निकट का माना जा रहा है, निकट का मतलब बड़ा कड़ा मुकाबला है। कोई पार्टी अभी ये नहीं कह पा रही इस तरीके से कि एकतरफा चुनाव है, कांग्रेस भी जान रही है। कांग्रेस अपनी तरफ से यही है कि कसावट रख रही है मतगणना से पहले पूरी तरीके से प्रत्याशियों को ट्रेंड करने के लिए, तकनीक बताने के लिए, ताकि ये अलर्ट रहें, चौकस रहें कांग्रेस के प्रत्याशी, खासतौर से काउंटिंग के दौरान। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को एक साथ बुलाया है और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आप देखते रहें अभी तक।